जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की हमारी एक शॉर्ट जर्नी होने वाली है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं डायमंड क्रॉसिंग, जो हमेशा मैं आपको दूर से दिखा पाता हूं, पर आज टारगेट है उसे आपको करीब से दिखा पाऊं। इसके लिए मैं आया हूं मुर्तज़ापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भी कई रीज़न थे मुर्तज़ापुर आने के। यहां से पहले शकुंतला रेलवे चला करती थी, जो कि एक नैरो गेज ट्रेन है जो यहाँ से यवतमाल के लिए चलती थी अचलपुर होते हुए। पहले मैं उसके दर्शन के लिए आया, उसके दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। ट्रेन तो बंद हो चुकी है लेकिन लोकोमोटिव और रेक्स को देखा, अच्छा लगा मेरे को। फिलहाल खूबसूरत से स्टेशन मुर्तज़ापुर जंक्शन में हूँ मैं, और यहाँ से हमारी ट्रेन है जिसका नंबर है 02833, अहमदाबाद से हावड़ा के बीच में चलती है, जिसमें मैं मुर्तज़ापुर से कैंपटी तक यात्रा करने वाला हूँ, ताकि मैं आपको डायमंड क्रॉसिंग दिखा सकूँ। और बीच में आने वाला जो रूट है ये भी आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और कैसा रहता है एक्सपीरियंस अहमदाबाद हावड़ा का भी, वो भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस खूबसूरत सी यात्रा को शुरू करते हैं, इस खूबसूरत से स्टेशन से जिसका नाम है मुर्तज़ापुर जंक्शन। दोस्तों तो दोस्तों निर्धारित समय से केवल 20 मिनट की देरी से आ चुकी है हमारी अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, जिसमें WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है संतरागाछी शेड का। चलिए जल्दी से इसे बोर्ड करते हैं। हमारा कोच है B1AC3 टायर में यात्रा कर रहे हैं और आगे की यात्रा को शुरू किया जाए। तो दोस्तों हमारे सामान रखते रखते डिपार्चर हमारा उसके मुर्तज़ापुर जंक्शन से, और एक गुड्स ट्रेन यहाँ पर बगल में खड़ी हुई थी। यह है खूबसूरत सा स्टेशन मुर्तज़ापुर जंक्शन। तो अभी हम लोग बडनेरा जंक्शन पहुंच चुके हैं, और अगर बडनेरा जंक्शन की बात की जाए तो उसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से अमरावती के लिए लाइन गई है, और दूसरा जिसमें हम बढ़ रहे हैं ये वर्धा सेवाग्राम होते हुए नागपुर तक जाएगी। और जो बडनेरा जंक्शन है, तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों ये है बडनेरा का प्लेटफॉर्म नंबर 3 का हिस्सा, मौसम बहुत अच्छा है आज का। चलिए देखते हैं अब यहाँ से डिपार्चर, समय हो चुका है यहाँ से चलने का। खाने पीने की चीज़ें यहाँ स्टेशन में अवेलेबल है, समोसा पानी ऐसी चीज़ें, तो बेसिक चीज़ आपको मिल जाएंगी, बाकी नागपुर में तो चीज़ें मिल ही रही हैं दोस्तों। और यहाँ हमारा हॉकिंग सिग्नल हो गया है दोस्तों। ये जो लाइन है ये यहाँ से न्यू अमरावती होते हुए नरखेड़ जंक्शन पर जाकर मिलेगी, जहाँ से आप इटारसी और नागपुर दोनों तरफ के रूट की गाड़ियाँ ले सकते हैं।
गजब का वेदर है यार, बादल देखो। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 3:25 और हमारा जो दमन गांव पहुंचने का टाइम है वो है 3:30 का। 5 मिनट पहले हम लोग बस अब दमन गांव पहुंचने वाले हैं, और दमन गांव से यवतमाल जहां से हमारी शकुंतला रेलवे चला करती थी वो मात्र 50 किलोमीटर है। तो अगर आप लोग यवतमाल आते हैं किसी काम से तो आप लोग दमन गांव से ट्रेन पकड़ सकते हैं। नियरेस्ट स्टेशन आपको दमन गांव पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। आने वाले स्टेशन्स में अभी आपको वर्धा नदी भी मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि पुलगांव से वर्धा स्टेशन के बीचों बीच पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। चलिए देखते हैं धमन गांव में ट्रेन का अराइवल। तो दोस्तों हमारा जो डिपार्चर हो चुका है पुलगांव रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे वर्धा जंक्शन, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और वर्धा एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है, क्योंकि वहाँ पे हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर लाइन की मुलाकात होती है मुंबई अहमदाबाद लाइन से। एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है वर्धा से, जस्ट बाद में आता है सेवाग्राम, वहाँ पर एक्चुअल मिलाप होता है। पर वर्धा से भी बाईपास वगैरह की लाइन गई हुई है। और वर्धा नदी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और फिलहाल हमारी जो ट्रेन है ये बढ़ चुकी है आगे, देखते हैं आगे की जर्नी को, उसके बाद पहुंचते हैं वर्धा जंक्शन पे। तो दोस्तों हम लोग वर्धा जंक्शन पहुंच चुके हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन पहुंची है। निर्धारित समय इसका है 4:15, 3 मिनट पहले हम लोग यहां पहुंचे हैं। और यहां से जैसा आप लोग शुरू से हमारे साथ मौसम देख रहे हैं कि बारिश होना शुरू होने वाली थी, और यहां बारिश हो चुकी है। जो मौसम है वो और बेहतर होता चला जा रहा है। और इसके बाद हम लोग वर्धा से सेवाग्राम होते हुए नागपुर की ओर बढ़ेंगे। सेवाग्राम में हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, तो स्किप आपको देखने को मिलेगा। और हर जगह थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है, जो यात्री ट्रेन से उतर रहे हैं, जो अहमदाबाद से आ रहे हैं इस ट्रेन में ऑनबोर्ड होकर के, ट्रेन नंबर 02833 यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। और मौसम बहुत अच्छा है, तो चलिए अब से कुछ ही समय में यहाँ से हमारा डिपार्चर होगा, वो हम लोग देखते हैं और आगे की जो यात्रा है इसे कंटिन्यू करते हैं।
तो दोस्तों समय हो रहा है 5:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन। नागपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से अगर आप लेफ्ट तरफ मुड़ जाएंगे तो आप पहुंचते हैं नई दिल्ली की ओर लाइन में, जो कि इटारसी होते हुए भोपाल के रास्ते जाती है। सीधा रास्ता क्या हुआ है, बिलासपुर होते हुए आप जा सकते हैं हावड़ा की ओर। और अगर बात की जाए जिस रूट से हम लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि सेवाग्राम में जो रास्ता मिलता है चेन्नई बेंगलोर हैदराबाद वाला, और साथ में हम लोग आ रहे हैं अहमदाबाद हावड़ा लाइन से, सॉरी अहमदाबाद मुंबई लाइन से। तो कुल मिला के ऐसा है नागपुर जंक्शन, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरे भारत में एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। अगर आपको नॉर्थ की गाड़ी लेनी है, साउथ की गाड़ी लेनी है, तो उस हिसाब से स्टेशन में अवेलेबिलिटी की बात की जाए, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फल फूल से लेकर स्नैक्स आइटम से लेकर हल्दीराम्स के स्टोर में आपको बिरयानी और रोटी सब्जी पूरी सब्जी टाइप की चीज़ें भी मिल जाएंगी, जो कि प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। हमारी अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाया गया है, और जिस चीज़ का हम लोग को इंतजार था, जिसलिए हम लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, यानी डायमंड क्रॉसिंग, वो आने वाली है। अब से 15 मिनट में हमारा यहाँ से डिपार्चर होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल डायमंड क्रॉसिंग। दोस्तों तो इंतजार है मुझे भी डिपार्चर का, मिलता हूँ आप लोगों से सीधा डिपार्चर में। नागपुर स्टेशन की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन का टेक्निकल होल्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ़ सफाई हो रही है ट्रेन के विंडोज़ की, और अंदर भी ट्रेन की क्लीनिंग चल रही है। और जो काफ़ी ओल्ड एज के पर्सन होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह, वो लोग इस गाड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी आपको रेलवे के किराए के बेसिस पर मिल जाएगी, ये छोटी सी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल। साथ में यहाँ कोचों की सफाई चल रही है, टॉयलेट वगैरह की भी क्लीनिंग चल रही है नागपुर स्टेशन में। दोस्तों यहाँ फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से, और जिस समय का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था वो अब आने वाला है, यानी हम लोग पार करने वाले हैं नागपुर की मशहूर डायमंड क्रॉसिंग को। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पार की इम्पोर्टेंट डायमंड क्रॉसिंग, जिसको मैंने मल्टी एंगल शॉट लेने की कोशिश की आप लोगों ने। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही रेलवे की इम्पोर्टेंट चीज़ों अपडेट्स के लिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स मैं कवर करना चाहता हूँ, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोग ऐसी अपडेट मिस ना करें। और इंस्टाग्राम पर भी मैं ऐसी ही क्लिप्स डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम है द ट्रेन गुरु, जहाँ मैं ऐसी ही क्विक अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, किस रूट में और किस चीज़ को मैंने अभी लेटेस्ट कैप्चर किया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, अगले स्टॉप में मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि मेरी अगली जो जर्नी वो नागपुर से ही है। केवल आप लोगों के लिए मैंने नागपुर स्टेशन में ट्रेन के गुजरने के बाद भी उससे उतरा नहीं, ताकि डायमंड क्रॉसिंग आप लोगों को दिखा सकूँ। अगले स्टॉप पर मैं उतरूँगा, वहाँ से मैं वापस ऑटो वगैरह लेकर के आऊँगा। एक लगभग 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये मैं ट्रैवल करूँगा बाई ऑटो या कार, जो भी मिले 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मैं ट्रैवल करूँगा बाई ऑटो या कार, ताकि आप लोग को ये रूट दिखा सकूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक ख्याल रखिए दोस्तों आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।